नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा जनपद आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास बंदरों, आवारा पशुओं को रोटी फल आदि खिलाया गया। साथ ही थाना क्षेत्र कोतवाली एवं सिधारी में ऐसे रिक्शा चालक जो बिना सवारी के धूप में खड़े या आ जा रहे थे, उनसे बातचीत कर उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जागरूक किया गया। उनके द्वारा यह बताया जाने पर कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होने के कारण सवारी न होने पर भी सवारी के आस में रिक्शा चलाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, उन्हें डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा खाद्य सामग्री पैकेट बांटा गया। सर, आज निकले, आज क्या उद्देश्य? देखो, लॉकडाउन को कंप्लीट रूप से इंश्योर कराने के लिए और अपने पुलिस फोर्स की गश्त, टिकट, पेट्रोलिंग आदि चेक करने के लिए रेगुलर रूप से मेरे द्वारा 10 से 15 किलोमीटर की पैदल गश्त प्रतिदिन सुबह, दोपहर या शाम समय बदल बदल कर की जाती है। उसी रूटीन क्रम का ये हिस्सा है जहाँ इस दौरान लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी है या उसमें किस प्रकार से इंश्योर कराने में क्या अदर गाइडलाइंस है उसके बारे में जहाँ अपने पुलिसकर्मियों से बात की जाती है, वहीं पर उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट भी किया जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से बिना भयभीत हुए कर्तव्य भावना से अपनी ड्यूटी पर सजग रहना है। साथ ही साथ उन्हें पूरी तरह से जागरूक व सावधान रहना है। प्रतिदिन गर्म पानी पीने, काढ़ा पीने, योग ध्यान प्राणायाम करने के साथ साथ हेल्दी डाइटिंग लेने और एकदम स्वस्थ मानसिकता के साथ प्रसन्न चित्त होकर ड्यूटी करने के बारे में मेरे द्वारा उन्हें उत्प्रेरित भी किया जाता है। इसी दौरान उनके अपने परिजनों का अपने जो अन्य जवान हैं उनका इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, इन सारे तथ्यों पर अपने पुलिस के सहयोगी से प्रतिदिन बात करते हुए रूटीन रूप से पैदल गश्त करना हम लोगों के नियमित रूटीन का एक हिस्सा है।